अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस शादी की तैयारी में पूरी अंबानी फैमिली जुटी हुई है। इस बीच अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया है। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पालघर में 50 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह समारोह रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ। सौभाग्य से जीवन में ये पल आता है, कितने ही जोड़ों की हसरत पूरी हो गई। ये तस्वीरें मुंबई के पालघर में रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क की है, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 गरीब जोड़ों की शादी संपन्न हुई। नव विवाहित जोड़ियों को देखकर ये सब नव विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अंबानी परिवार ने किया और शादी का पूरा खर्च भी उठाया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधु पक्ष के करीब 800 लोग शामिल हुए। सबसे सुंदर तस्वीर तब देखने को मिली जब भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने नव विवाहित जोड़ों का खुद स्वागत किया। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सव शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। दरअसल अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बंटना शुरू हो चुका है। इन्हीं रस्मों से पहले अंबानी परिवार ने गरीब जोड़ों की शादी कराकर मिसाल कायम की। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी पति आनंद पिरामल के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने जोड़ों को तोहफे भी दिए। पहले जामनगर, फिर इटली के क्रूज में हुई दो ग्रैंड प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। उनकी शादी रिलायंस कंपनी के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाली है, जिसमें भारत और दुनिया के कई नामी लोग शामिल होंगे। जबकि शादी के अगले दिन 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई है, जिसमें सभी मेहमान न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद देंगे और इसके बाद कपल का रिसेप्शन 14 जुलाई को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।